नरेला के मंदिर में बरामद हुई शराब की पेटियां। इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले नरेला में अवैध रूप से बांटी जा रही थी शराब। दारू की बोतलें मिली हैं। ऐसा क्यों? ये मंदिर को कलंकित करने का कार्य क्यों? और एक पंडित जी का मेरे पास फोन है, कंटिन्यू बात हो रही है और कैंडिडेट की मिसिज है, खुद पैसे सोल दारू मंदिर को बदनाम करने के लिए, मंदिर की गरिमा गिराने के लिए जो लोग राम का नारा लेते हैं वो आज इस क्षेत्र का विनाश करने लगे हुए हैं, युवाओं को दारू बांट रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट को सस्पेंड करना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को कभी वोट नहीं देना चाहिए। जो दो नंबर जो हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने एक राजनीति बनाई, मंदिर में कलश यात्रा करी, हमने वो भी कहा पंडित जी आप ये बीजेपी का बैज मत लगाइए, तो इन्होंने जो संघर्ष किया उनको भी हमने भेजा। मास्टर ये कलश यात्रा कभी इस टाइम पे नहीं हुई, उनके सबके नंबर मिले, लेडीजों के नंबर मिले हैं, वो मैंने पुलिस वालों को नंबर दिए हैं जिनको 100, 500 रुपया मंदिर से जा रहे थे, दारू की बोतलें, लड्डू के डब्बे और संघर्षक कहते हैं मुझे पता नहीं। तो ऐसे संघर्षक को भारत माता मंदिर का संघर्षक नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। ये जनता की आवाज़ है और उसने कबूल किया है कि यह सामग्री यहाँ पर मिली है। आप पूछ सकते हैं यहीं पे रविंदर जी, यहीं पे आप पूछ सकते हैं, उन्होंने कबूल किया है कि हाँ यहाँ पर सामग्री मिली है। आप पंडित जी के रूम से दारू की पेटियां मिली है और ये मना कर रहे हैं, तो आप ये करिए ना, मंदिर की जगह इसको बीजेपी का कार्यालय बना दीजिए। हमारे इतना वोट दे दे के मर गया, क्या दिया? वो नहीं कुछ जानते हूँ, हमारे नली नहीं बना। केजरीवाल कहा कि तेरे नली बनो, छोटा पेटी कपड़ा राड भी धो के साथ जाए, घर के झोपड़ी उड़ जाए, तो केजरीवाल को इंसाफ दिया। बता देंगे क्या नली से पहले नगर के ठेके बंद होने चाहिए। जो परी के लालच में आदमी को घोटा जा रहा है अंदर से दिलो दिल, फेफड़े तक के गल जाते हैं आदमी के, नकली दारू पी के एक के साथ एक फ्री कर दी, क्या मिला इंसान को? फेफड़े गल गए, हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ नहीं मिलेगा उनको, कुछ भी नहीं। दारू पी पी के गुंडा पड़ा रहेगा, में दारू बंद करा दो, क्या दिया? चलो भीड़ खत्म करो, भीड़ करो। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे कि यहाँ हमेशा को आए और तो मंदिर में देखा हमने अगभी यहाँ पर सामग्री दी जा रही है, विनोद भारद्वाज जी की उसके झंडे भी मिले हैं, फटके भी मिले हैं और पुजारी भी सारे फटके यहाँ पर झंडे वो लगाए हुए थे कमल के, दारू की पेटी भी मिली है। कितनी थी? एक पेटी थी, बहुत सारी उसमें दारू की पत्ते थे और मिली है ये? मंदिर के अंदर मिली है ये सामग्री सारी। एक बोरा भारत माता मंदिर है संतन नगर के अंदर है, तो उसके बाद क्या किया गया? और हमें वोट लिस्ट भी मिली है यहाँ पर, उस पर निशान लगा रखे हैं जिस जिसको बेचा गया है, भाई 500 रुपये में बेचा हुआ है। ऐसे जनता को बेचा जा रहा है, हिंदू करते हैं बीजेपी वाले और ऐसा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर बोरे भी मिले हैं सालों के, वो भी अंदर मिले हैं, लड्डू भी मिले हैं यहाँ पर सारे के सारे। 10 पुजारी थे मंदिर के अंदर और ये नाटे गए, हमें 112 पर फोन किया और दिल्ली पुलिस आई। बात हुई पुजारी ने, क्या बताया? पुजारी नाट रहे थे और फिर एक पुजारी ने हाँ भी भर ली।